अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आदरणीय भ्राता गुलाब कोठारी जी। आप केवल कलम के धनी नहीं लेकिन कर्म चिंतन के धनी हैं और भारतीय संस्कृति दैवी संस्कारों के संवाहक हैं। गुलाब कोठारी जी, आप बहुत ठीक स्थान पर आए हैं जहाँ दैवी संस्कारों की पुनर्स्थापना का कार्य हो रहा है। आप हमारे राजस्थान की शान हैं, पत्रिका न्यूज़पेपर के मालिक। आपका अभिनंदन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी श्रद्धेय संत वृंद, विद्वज्जन, सभा में उपस्थित सभी अभिद्वज्जन, सबको मेरा प्रणाम। शास्त्रों में ये तो हम पढ़ते आए हैं कि इस सृष्टि का संचालन पुरुष और प्रकृति करते हैं। आज प्रातःकाल में दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी के साथ एक संवाद में बैठा था। सचमुच एक ऐसा वातावरण जो कई सालों में नहीं देखा, बल्कि एक मन में जिज्ञासा थी कि कब और कैसे देखने को मिले और अगर मिल जाए तो हमारी अनुभूति कैसी हो। देख, एक तरफ बाबा के मन में ये संकल्प है कि सृष्टि में या विश्व में शांति का संदेश हमारी ब्रह्म कुमारियाँ या माताएं लेके जाएंगी, हम नहीं लेके जाएंगे। पुरुष के उस दायित्व के साथ इस माया का संबंध कोई बहुत छोटा नहीं है, पर इतनी गहराई से किसी ने समझा हो ये उदाहरण शायद यहां हमको देखने को मिल रहा है। क्यों कि उसी के ठीक विपरीत भाव में दादी जी आज मुझे एक फिर एक सवाल किया। 100 साल की उम्र में, 80 साल के करीब जिन्होंने इस जीवन को, इस पौधे पेड़ को सींचने में लगाया है, अब मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे को बाबा ने क्या सोच कर, मेरे बारे में बाबा ने क्या सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूं। कमाल है, वही ऐसा लग रहा है जैसे छोटा बच्चा उसी ईश्वरीय भाव में अपने पुरुष से वापस संवाद करके बात कर रहा है। मैं उसका सचमुच अभी तक उस प्रश्न से हिला हुआ हूं। ये सही है कि उनकी वो पात्रता ही ऐसी है जो उनको इस लायक बना पाई और आज तक उन्होंने उस पात्रता को निभाया। उन्होंने विश्व में ये साबित तो कर ही दिया कि माया निर्माण भी करती है, संस्कार भी देती है और ब्रह्म का विस्तार भी करती है। आज की जो शिक्षा भौतिकवाद दे रही है, आज की जिस शिक्षा ने नए तनाव पैदा कर दिए हैं, आज की इस शिक्षा का सबसे बड़ा जो अभिशाप ये समाज उठा रहा है और जिस तरह के नए नए समाचार हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, उनका सबका एक उत्तर है हमारी ये संस्था। इतना बड़ा वट वृक्ष हुआ तो वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने खाली मेहनत करी है। मेहनत से विकास नहीं होता, विकास श्रद्धा और भावना से होता है। और श्रद्धा, भावना, वात्सल्य, ममता ये महिलाओं की बपोती है, पुरुषों की नहीं है। और इस बात को ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने या ब्रह्म कुमारियों की संस्थान ने नया अंजाम देकर ये साबित किया कि हाँ, हमारे शास्त्र कहीं गलत नहीं हैं। आज हम मैं कई सालों से परिचित तो रहा हूँ पर इस तरह का आदान प्रदान मेरा नहीं हुआ जैसा मुझे आज सुबह देखने को मिला। पर आपको इतनी, मुझे लगता है कि शास्त्रों को पढ़ने के बजाय अगर हम ऐसे गुणीजनों के पास बैठते हैं तो भी हमको इतना समझ में आता है कि हमारे शास्त्र सही हैं।
आप सब जानते हैं कि सूर्य अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है और उसके बाद वो अपनी चांदनी से भी नक्षत्रों को, तारों को, सबको प्रकाशित करता है और हमको भी रात के अंधेरे में रास्ता दिखा रहा है। आज हम इसी बात को अगर इसी संस्थान पर लागू करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि दादी जानकी जी पिछले इतने सालों से, दशाब्दियों से उस ब्रह्म के प्रकाश को ब्रह्म कुमारियों के रूप में इन सब के ऊपर चांदनी की तरह से उन सबको चमका रही हैं और ये पूरे विश्व में भारत के उस प्रेम भाव को बांट रहे हैं। इनमें से कोई भी मुझे अभी तक एक उदाहरण नहीं मिला इतने सालों में जिसने किसी ने भी मेरे से कुछ एक पिन की अपेक्षा रखी हो। मैं आप मुझे सर आज एक स्टूडियो में जब मैं आज गया तो मुझसे सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि विश्व में आप कई धर्माचार्यों के संपर्क में आए हैं अन्य धर्मों में और हमारे इस संस्थान के कामों में आपको क्या बड़ा अंतर नजर आया। मेरा कहना यह था कि एक ही अंतर है, आपके संस्थान में मातृभाव है और किसी से कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है। दूसरे धर्म सब कुछ न कुछ लेना चाहते हैं, समझिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी मातृशक्ति की प्रतिष्ठा आपके संस्थान ने विश्व के सामने रखी है। वहां विश्व की नारियां आज तकलीफ में हैं, घरों में सुखी नहीं है, पर इसलिए नहीं है कि उन्होंने देना सीखा ही नहीं है और हमारी मातृशक्ति ने लेना नहीं सीखा। हम सुख के आधार पर जिंदा नहीं है, हम दुख को भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना सुख को करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं महाभारत का। महाभारत के समाप्ति के बाद जब सब कुछ शांत सेटल हो गया, सब अपने अपने काम में लग गए, तो कृष्ण जाते हैं कुंती के पास, बुआ आज्ञा दो वापस लौटना है द्वारका को, अब यहां कोई काम बचा नहीं है। कुंती कहती है कि बुआ के घर से जा रहे हो, बुआ को कुछ भी नहीं दोगे, बिना दिए जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, आप मांगिए, मैं अवश्य दे के जाऊंगा। कुंती ने नहीं माना, उन्होंने कहा तुम झूठे हो, वैसे भी छलिया हो तुम, नहीं तो मुझे वादा करो कि तुम दोगे, मना नहीं करोगे। तो कृष्ण ने कहा मेरा वादा करता हूं, कुछ जो भी मांगोगे आपको अवश्य दूंगा। आप सोचिए क्या मांगा होगा कुंती ने जिंदगी के इस पड़ाव पर कृष्ण से। कहता है कृष्ण अगर मुझे कुछ देना है तो मुझे दुख दो। समझने की बात है, कृष्ण चक्कर आश्चर्य में पड़ गए कि जिंदगी में 12 साल वनवास काट लिया, 1 साल अज्ञातवास काट लिया, पूरे खानदान को अपने आंखों के आगे मरते हुए देख लिया और आज कह रही है मुझे दुख दो। दादी जानकी जी पढ़ा रही हैं आज के इस दिन, इस उपलक्ष में, आज इतने बड़े उत्सव में आपका स्वागत। ईश्वर आपको और लंबी उम्र दे, हमें आपका सानिध्य मिले। खूब खूब बधाई, अभिनंदन।
गुणों की प्रतिमूर्ति, नारी शक्ति का गौरव, आध्यात्म जगत के शिरोमणि, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी तथा हमारे एडिशनल दादी जी दादी हृदय मोहिनी जी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, जोर से एक बार ताली बजाकर। मेरा आदरणीय भ्राता गुलाब जी से अनुरोध है, वे अपनी वाणी को अभी फिर हमारे सामने रखेंगे। गुलाब जी, तो कृष्ण को अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि जिंदगी भर जिसने दुख देखा और सुख देखा ही नहीं, वो आज भी फिर से दुख मांग रही है। देखो बुआ, ऐसी क्या बात है कि मेरे अभी तक आपका ये प्रश्न समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, कृष्ण इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई, मेरे जितने में जब जब दुखी रही या मेरे पास जब जब मेरे पास संकट आया है, तू मेरे साथ रहा है। मुझे सुख नहीं चाहिए, अगर तू नहीं है तो दुख है, तो तू मेरे साथ है, इसलिए मुझे दुख चाहिए। अब इस संदेश को मुझे लगता है इस संस्थान से अपेक्षा है कि इस भारतीय दर्शन के संदेश को नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। नई पीढ़ी के अंदर जिस तरह की नई समस्याएं आ रही हैं, नए समाज के निर्माण में जिस तरह के नए अवरोध पैदा हो रहे हैं और नई जिंदगियों के अंदर जिस तरह के विरोधाभास पैदा हो रहे हैं, उनको समझकर उनके निवारण के लिए हमें कार्य करना है। मुझे लगता है कि ये अब हमारे इस विश्वविद्यालय का आने वाले समय में मूल दायित्व होना ही चाहिए। आज दिन में भी मैंने दादी जी से आग्रह किया है कि अगर आपके विश्वविद्यालय में अब ये नए कोर्स चालू हों कि अच्छी महिला कैसे बने, अच्छी माँ कैसे बने, अच्छे बच्चों का लालन पालन करना उनको कैसे सीखने को मिले, इस तरह के कोर्सेज चलने चाहिए, वरना हम सब आने वाली पीढ़ी में हम सब पराधीन हो जाएंगे। आज की माँ अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा के भेज रही है। हम समझे, हम खाली स्कूलों को ही क्यों भला बुरा कहते हैं इस बारे में? अगर हमें समाज का निर्माण करना है, अगर हमें संस्कारों का निर्माण करना है, तो पहले मुझे अपनी जड़ को सींचना पड़ेगा, बाद में मैं पत्तों को पानी दूं। अगर जड़ मेरी कमजोर हो गई, जड़ में अगर मेरे कीड़े लगे, तो मेरा पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ये पेड़ सचमुच बड़ा है, विशाल हो गया है, हरा भरा है। अब इस पेड़ के साथ हमारा दायित्व है कि इस पेड़ की छाव में जो भी आके बैठे उसका जीवन भी हरा भरा हो, खुशहाल हो, तब शायद एक नई आस्था का, नई शांति और प्रेम का संसार हमारे सामने आ पाएगा। नहीं तो अभी तक तो जो हिंसा का तांडव हम देख रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, और हमारे यहाँ तो प्रेम भी शायद इतना गहरा मतलब रखता है कि किताबें शायद हमको समझा नहीं सकती, पर आप माताएं बहनें जो इतनी पारंगत हैं अपने ज्ञान में, इस साधना के द्वारा, इस ध्यान परंपरा के द्वारा आपसे ये उम्मीद है, और आप में मुझे भरोसा भी है कि अगर आप संकल्प कर लेंगी तो आप करके दिखाएंगी कि लोगों को प्रेम भी सिखाया जाए। आज किताबों से प्रेम शून्य हो गया है, कहीं नहीं है, घर में ही शून्य हो गया है। माँ बाप बच्चों के साथ नहीं बैठना चाह रहे हैं, और इसी प्रेम का एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि कृष्ण विश्राम कर रहे हैं द्वारका में, रुक्मणी उनके पांव दबा रही है। अचानक रुक्मणी का हाथ कृष्ण के तलवे पर जा रहा है, तो वहां लगा उसको कि इनके पांव में कुछ छाला हो रहा है। रुक्मणी चौंकी कि था कृष्ण तुम्हारे पांव में छाला, ये तो असंभव बात है, तुम नंगे पांव चलते नहीं, कहीं दौड़े नहीं, धूप में चले नहीं, और फिर भी छाला तुम्हारे पांव में हो। कृष्ण ने टाल दिया, भाई कहते कोई नई बात नहीं है, शरीर है, कभी कुछ होता रहता है, ठीक हो जाएगा। उनका नहीं, तुम
तुम्हारे पांव में छाला तो कई प्रश्न पैदा करता है, कहां गए थे। कृष्ण ने फिर धीरे से कहा, अगर इतनी जिद करती हो तो इतना समझ लो कि इस छाले का कारण तुम खुद ही हो। ये सुन के तो रुक्मणी और भी नाराज हो गई कि आप एक तो प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, छुपा रहे हैं, और फिर ऊपर से मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। कृष्ण का नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। तब कृष्ण ने उनका उत्तर समझाया कि देखो, अभी थोड़े दिन पहले राधा आई थी द्वारका में, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी उसकी सेवा चाकरी में। उनका हां लगाई थी, और मैंने पूरी निष्ठा से ईमानदारी से उसकी सेवा भी की थी। कहता, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि उस वक्त भी तुम्हारे मन में राधा के प्रति थोड़ी ईर्ष्या थी। तुमने एक दिन उसको गरम गरम दूध पिला दिया, तुमको पता नहीं है उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता गुलाब कठारी जी।